नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बीइंग डिवाइन सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन थैंक यू सो मच बीइंग डिवाइन सच अ डिवाइन वर्ड एंड यू फील सो डिवाइन व्हेन यू थिंक इवन स्पीक द वर्ड डिवाइन 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 बोलते जाओ तो मंत्रा जैसा लगता है ना कोई भी थॉट भी अगर क्रिएट करते हैं उसको फिर शब्दों में लेकर आते हैं तो वो वाली वाइब्रेशन तो क्रिएट हो जाती है ना तो वी ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट फीलिंग इट बट बिकॉज वी क्रिएटेड द थॉट बीइंग डिवाइन उसको शब्दों में भी लेकर आए तो आप देखो अभी कुछ और नहीं किया बोला हाँ थॉट क्रिएट की थॉट क्रिएट की शब्द बोला फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लग गई है मतलब अनुभव में एक्सपीरियंस में वो ऑलरेडी आ चुका है चाहे वो एक क्षण के लिए आया हो सो हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन थॉट इसीलिए हम बार बार यही सीखते हैं कि अपने संकल्पों पर अगर हम अटेंशन रखें तो संकल्प से बोल बोल से व्यवहार व्यवहार से अनुभव अनुभव से संस्कार सब कुछ हो जाएगा लेकिन ये कैसे होगा जब मैंने जब कहा कि बीइंग डिवाइन डिवाइन कहते इतना अच्छा लगता है फीलिंग तो मैंने पहले सोचा थोड़ा ही था पहले बोला था आपने ये थॉट क्रिएट की ना अभी हमारी नई सीरीज का नाम है बीइंग डिवाइन सो इट्स कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर हम बिना अंदर क्रिएट करे बाहर कुछ नहीं कर सकते तो इतना फास्ट क्रिएट होता है अगर मैं स्पीड पे बोल रहा हूँ आप तब बिना मतलब क्रिएट करता जा रहा हूँ बोलता जा मतलब मुख कैसे बोल रहा है क्या बिना सोचे आदमी बोलता नहीं मुख कैसे बोलेगा कहा से आएगा ये सिर्फ बोलने वाला है क्या बोलना है स्टोर्ड होती है थॉट्स हाँ तो थॉट्स अच्छा स्टोर्ड होती है थॉट्स तो थॉट्स और... मुख तो सिर्फ बोलता है बोलना क्या है सुनने में लॉजिकल लग रहा है लेकिन सोचो तो कैसे मुख क्या है ये बोल रहा है लेकिन क्या बोलना है वो कहाँ से आएगा तो बिकॉज चाहे वो अभी क्रिएट की हुई थॉट है चाहे वो पहले की क्रिएट की हुई थॉट है स्टोर्ड है लेकिन है तो अंदर से एनर्जी बाहर शब्दों में आ गई तो स्लिप ऑफ द टंग जो शब्द है वो रॉन्ग है स्लिप ऑफ द टंग शब्द मतलब क्या कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया लेकिन सोच के रखा था इसलिए मुख से निकल गया जबकि सोचा था कि बोलना नहीं है हो सकते है, अंदर अंदर बोला होगा बिना, बिना मुख से अंदर ही बोल दिया होगा कई बार अंदर ही सब कुछ बोला जाता है जब तक अंदर नहीं बोला जाएगा तब तक बाहर नहीं बोल सकते सिर्फ ये था कि जब अंदर सोचा था तब ये अंदर सोचा था बाहर नहीं बोलना था लेकिन परिस्थिति कोई आई किसी ने कोई बटन दबाया मतलब कोई ऐसा स्टिम्यूल आया कि जो सोचा हुआ था वो बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया तो हम कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग मैं कहूंगा स्लिप ऑफ द थॉट। इट वॉज अ रोंग थॉट क्रिएटेड नॉट टू बी स्पोकन बट क्रिएटेड एंड स्टोर्ड तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो मेरी पुरानी थॉट्स भरी पड़ी है स्टोर उसमें से जैसे, जैसे उसको इरेज करता जाऊं निकालता जाऊं अच्छा जैसे जैसे घर में भी दाल चावल रोटी पकाते हैं तो कंकर वंकर निकाल के धो लेते हैं yes. तो ऐसा उस चीज को साफ ही क्यों नहीं कर सकता हूँ अब कि अब ये, ये कितना ब्यूटिफुल इस... एग्जाम्पल है कि दाल चावल बनाते हैं उसमें कंकर है तो कंकर कौन से स्टेज पे निकालना है इनिशियल स्टेज जब वो इनिशियल स्टेज पे है जब वो रॉ मटेरियल स्टेज पे है अगर रॉ मटेरियल स्टेज पे हमने नहीं निकाला उस कचरे को उस कंकर को तो वो फाइनल प्रोडक्ट में तो आएगा आए हाँ। तो जैसी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, वैसा क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट तो अटेंशन कब रखनी चाहिए थी चावल बनने के बाद नहीं तो आज फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूँ मैं आज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है हाँ। ताकि हमारा जो स्टोर्ड आइटम है हाँ। उसपे से हम मेल साफ कर सकें और इस तरह के शब्द निकलें ना बाद में इस तरह के शब्द निकलेंगे ही नहीं अगर इस तरह की थॉट्स नहीं रखी हुई है और अगर रखी हुई हैं हां तो शब्दों में से निकलने से उसको रोक नहीं सकेंगे अगर रखी हुई है तो उनको निकालें कैसे उनको हर बार समझकर आंसर देखकर क्या वो उस दिन स्टोर किया था क्यों स्टोर किया था उसके पीछे रीजन क्या था दूसरे का नजरिया क्या था मेरा संस्कार कौन सा था उनका संस्कार क्या था मेरा हिसाब किताब उनके साथ क्या था सारे आंसर देकर फिर यहाँ से माइंड को आंसर दे दिया तो मतलब हमने पहले वाली थॉट को इरेज करके दूसरी वाली थॉट डाल दी हजारों लाखों थॉट्स अगर हो हाँ। तो हजारों लाखों को एक एक को लॉजिक थोड़ा दे पाऊंगा एक होता है कोई पास्ट हमने हर्ट पकड़ी हुई है किसी के प्रति कोई रिजेंटमेंट पकड़ा हुआ है तो वो डीप हर्ट स्टोर्ड है क्यों हर्ट स्टोर हुई उस दिन कुछ हुआ hmm. उस क्षण जब हुआ मन ने हर्ट क्रिएट की कि hmm. इन्होंने ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों किया ये नहीं करना चाहिए था ये थॉट्स क्रिएट हो रहे थे। उस टाइम शायद हम उसको बोल पाए थे शायद नहीं बोल पाए थे लेकिन मन बहुत कुछ बोल दिया था उस दिन अंदर रुक गया वो मन ने सब कुछ बोल दिया कि ये उन्होंने क्यों किया कैसे किया ऐसे नहीं करना चाहिए था उस मन को हमने आंसर नहीं दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हमने सिर्फ मन ने क्या क्रिएट किया इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर उस दिन हम मन को आंसर दे देते तो क्या आंसर दे सकते थे कई बार लोगों को मैंने देखा है अंदर ही अंदर मतलब बोलते नहीं है मुख से भी अपने आप में ही बोलते रहते हैं जब देखो ऐसे करते रहते हैं मुझे तंग कर देते हैं मतलब तो, तो, दूसरे को बिना सुनाए खुद को ही सुनाते हैं इतना फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन इट्स बिकॉज माइंड बहुत फास्ट सोच रहा है अगर बहुत चल रहा है अंदर बहुत फास्ट चल रहा है और जब बहुत फास्ट चल रहा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी वाली नहीं होती है जब माइंड स्लो चलता है वी आर एट पीस ऐट ईज विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ द थाट्स आर ब्यूटिफुल स्पीड इज स्लो ये कनेक्शन हमेशा याद रखना है हमें अगर क्वालिटी अच्छी है स्पीड स्लो होगी अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्वालिटी ऑफ था अच्छी नहीं होंगे तो जब बहुत फास्ट चल रहा होता है तो मुख भी ऐसे बोलता रहता है मतलब जोर से नहीं बोलता इट्स जस्ट गोइंग चटरिंग लाइक दैट कई बार गाड़ी चलाते हुए भी लोग ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं चलते चलते हुए बोलते हाँ बिकॉज इट इज़ टू फास्ट इट इज टू फास्ट सो इट इज कमिंग आउट लाइक दिस तो इसलिए ध्यान किस इस लेवल पे रखना है कि यहाँ से वो जो आपने कहा ना कंकर निकाल के फेंक देना है बातें स्टोर अगर हो गई सी हमने देखा है कि अगर बातें स्टोर हो गई तो सिर्फ इस जीवन में निकलेंगी मुख से वो तो रिस्क है ही है लेकिन आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगी hmm. तो क्यों स्टोर हो दे दें, दें? क्यों ना उसको क्लीन करते जाएं ज्ञान हमें आंसर दे रहा है सब बातों का आंसर है सिर्फ मन को उस टाइम अगर आंसर दिया तो फिर मन उस आंसर को स्टोर करेगा सपोज मैं कहूँ आपने मुझे ऐसा क्यों कहा अच्छा क्वेश्चन अगर माइंड ने ये थॉट क्रिएट किया ना इन्होंने ऐसा क्यों कहा hmm. ये ऐसा भी तो कर सकते थे इसी चीज को ये ऐसे भी कर सकते थे मतलब ऐसा कर दिया ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब माइंड ने क्या कर दिया ये सब अपने नज़रिए से सारी थॉट्स क्रिएट कर दिए क्रिएट के दर्द हुआ तो वो थॉट और वो दर्द दोनों क्रिएट होके स्टोर हो गया यू सो राइट मैं मैं हमारे फैमिली में शादी थी थी वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन जिसके लिए हम वेट कर रहे थे मतलब बारात शुरू करने के लिए वो आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा लेट तो मैंने आते ही बोला भाई इतना लेट तो वो तो चिढ़ गए बोले आप ये नहीं सोचे कि इतना लेट क्यों आया मेरे जैसे आदमी जो कभी लेट नहीं आने वाला क्या तकलीफ है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ बीमार तो ये छोड़ा था दर्द 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 उसके बाद से सालों बाद नहीं की मुझसे yeah. एक इतनी बात से सी एंड विच मीन्स उस टाइम नीड ऑफ द आवर क्या था कि आप लेट आ गए मैंने इतना ही बोला वो भी तो भरा हुआ था कि ये जो हम भरे हुए रहते हैं ना दिस इज द साइन दट आत्मा क्या होती जा रही है बहुत बोझ कैरी करके चल रही है फिर बाद में और सालों तक तो बात नहीं करना सालों तक ही चलेगा आज हम शरीर का बोझ तो हम अवेयर हैं कि मेरा कितना वेट हैरिंग एक्स्ट्रा बर्डन इस बर्डन का मेरे पूरे शरीर पर असर पड़ने वाला है तो हमें शरीर की अवेयरनेस है कि कितना वेट होना चाहिए कितना वेट है जिससे हम स्मूथली अच्छे से चल सकते हैं जीवन जी सकते हैं बेचारे नीज पे घुटनों में भी, भी तकलीफ होती है हार्ट को भी पंपिंग करनी पड़ती है इतना ज्यादा चारों तरफ खून पहुंचाने के लिए कितनी प्रॉब्लम और अब ये कोई भी प्रॉब्लम लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फर्स्ट चीज क्या कहेंगे वजन उतारो वजन उतारो सर अभी हम सर पे जो वजन है उसको उतारना है जितनी जीवन में आज कॉन्फ्लिक्ट्स दर्द हर्ट डिप्रेशन ये सारे जो मन की हमें दर्द होती है उसके लिए वो डॉक्टर भी एक ही आंसर देगा पहले पहले वजन उतारो मतलब जो वेस्ट और नेगेटिव पकड़ के रखा है उसको हटाओ और जैसे जैसे हम वो हटाएंगे तो वो कंकर क्या होते जाएंगे निकलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन तो बनना ही है फिर फल वाले भी मैं देखता हूँ कि एक भी आम सड़ जाता है तो पेड़ से निकाल के हटा दे ताकि बाकी फिर। ना दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एक आम सड़ा हुआ है उसको निकाल दो अगर नहीं निकाला बाकी. तो उसका बाकी पर असर पड़ेगा विच मीन्स एक बात भी अगर पकड़ी हुई है एक रिश्ते में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है एक में भी रिजेंटमेंट है एक में भी रिजेक्शन है उस थॉट को हटाओ क्या ये थॉट संस्कार भी बन सकती है रिजेंटमेंट वाली थॉट तो संस्कार ही बनेगी ना नहीं अगर एक ही से है दस से नहीं है समझो नौ, नौ, नौ से नहीं है बट हाँ. वो वाली एक इतनी बार 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 करके वो संस्कार बने तो दूसरे को भी तो टच करती होगी क्योंकि ना? वो यहाँ बैठी है ना भी. वो यहाँ बैठी है हुँ. जैसे आपने कहा वो आम टोकरी में बैठा है ना हाँ। अगर उस आम को टोकरी से निकाल दिया तो बाकी टोकरी सेफ बिल्कुल बाकी फ्रूट सेफ लेकिन अगर वो सड़ा हुआ आम उस टोकरी में बैठा है तो वो हर्ट यहाँ बैठे है वो वहाँ नहीं बैठे है हमें लगता है उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम है ना मुझे उनके साथ प्रॉब्लम उनके साथ है लेकिन प्रॉब्लम बैठी कहाँ हुई है प्रॉब्लम यहाँ बैठी हुई है ये वो स्थान है जहाँ मेरी और रिश्ते भी बैठते हैं ये वो स्थान है जहा मेरे काम की थॉट्स भी चलती हैं लेकिन उसी स्थान में कौन बैठ गया है उस स्थान में एक डीप हर्ट बैठ गई है एक चोट लग गई है एक बूंद है जिसको मैंने हेल नहीं करती रहती है ना बाकी चीजें जो अच्छी वाली है वो याद नहीं आती है जो हमारे साथ अच्छा हुआ है आपके पूरे घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कोने में एक कचरा पड़ा हुआ सड़ रहा है कचरा पूरे घर में नहीं है हाँ। एक कोने में एक कचरा कहीं पुरानी कोई चीज पड़ी हाँ। फ्रिज खोले एक बासी चीज कोई पड़ी हुई अंदर। आती है। किस में अब यही उस पूरे मकान में एक अगरबत्ती जलानी है ना सिर्फ भी सही बात एक ही अगरबत्ती कोने में <laughs> किसी भी कोने में अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की बीइंग डिवाइन ये हमने एक अगरबत्ती जलाई है एक जलाई ना वो जलाते ही क्या हुआ चाहे तो कमरे में होती है तो एक ही तो जलानी है ना तो एक प्योर थॉट सब कुछ चेंज कर सकती है तो एक इम्प्योर थॉट वो सब कुछ खराब भी कर सकती है अब हमने कितनी सारी इम्प्योर पकड़ के रखी हुई है? हजारो है हजारों लाखों अनगिनत हजारों तो इज अ वेरी स्मॉल फिगरत हजारों तो एक दिन में ही क्रिएट हो जाती है ना हजारों थॉट्स मतलब क्या एक दिन में हम कितनी कर रहे हैं talking of a lifetime, talking many lifetimes. अब ये कचरा hmm. इम्प्योर थॉट्स हमने इतनी सारी जो क्रिएट किए अन अवेयर अवेयर यू नो समॉट्स में अन अवेयर के सारा दिन में इसके लिए उसके लिए इसके बारे में उसके बारे में अनअवेयर इम्प्योर थॉट क्रिएट हो रहे न्यूज पेपर भी पढ़ के हाँ, किसी ने क्या किया तो और अनजान अनजान बंदे के बारे में yes. उसने अपनी बीवी को ऐसे कर दिया yes. उसे छोटी सी बात पे उसको आग लगा दी मतलब रिमोट कंट्रोल पे के झगड़े में ऐसे हो गया सुन गया। तो वो मेरे अंदर बैठ गई यस yes. बैठ गई मतलब वो क्रिएट कर ली ना हाँ. क्रिएट कर ली तो वो यहाँ बैठ गई अब जब से हमारे पास ज्यादा सोशल मीडिया आ गया हमने और ऐसी चीजें बहुत सारी पढ़नी सुननी औरों को भेजनी फिर उन्होंने सर्कुलेट करनी हमने यहाँ और कुछ पकड़ने शुरू कर दिया जितना मीडिया सी, पहले तो एक तो पेपर था फिर टीवी आई अब सेलफोन्स फिर टीवी पे भी तो पहले एक न्यूज चैनल रात को अब ट्वेंटी फोर आवर्स फिर सेल फिर इंटरनेट इंफॉर्मेशन है उसका बेनिफिट भी है हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का लेकिन उसमें से कंकड़ कहाँ निकाला हमने सारा कुछ ऐसे ही ले लिया अखबार में कुछ यूजफुल भी है कुछ इम्पोर्टेंट भी है एंड कुछ अननेसेसरी टॉक्सिक है जब मैं सब्जी की दुकान में जाता हूँ तो वहाँ उसके पास कचरा भी रहता है गंदे वाले भी मैंने बोला यार ये स्टॉक में से दो मुझे ये वाले अच्छे हैं और उस स्टॉक में से भी हम क्या उस करते हैं उसमें से फर्दर चेक करता हूँ हूं yes. मुझे ये हटाओ और ये हम ये, ये नहीं करते कि दुकानदार को कहते हैं कि दे दे एक किलो एप्पल ना ना हम एक-एक फिर एक-एक एप्पल -एक को क्या करेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे थोड़ा सा भी थोड़ा भी चेंज हाउ मच कॉन्शियस एफर्ट एंड अवेयरनेस क्यों क्योंकि हम दो ढाई सौ रुपये खर्च कर रहे हैं है। ना एक किलो एप्पल खरीदने के लिए तो ऐसे ही थोड़ी उठा लिया घर आके दिखेगा कि उसमें से दो खराब थे अच्छा कभी आप उठा कर ले भी आए ऐसे जिसमें से एक आधा खराब है तो घर के लोगों ने सुना ना देखा नहीं था बिना देखे उठा लिया सो मच एफर्ट एंड हम सारा दिन हर चीज़ पर एफर्ट कर रहे हैं हर it's चीज़ it's हम it's हर चीज़ पर अटेंशन रखते हैं क्या खरीदना है कैसा खरीदना है गाड़ी में फ्यूल कौन सा डालना है पानी कौन सा पीना है खाना कौन सा खाना है हर चीज आजकल ऑर्गेनिक के बीच भाग रहे हैं ऑर्गेनिक लेकिन ऑर्गेनिक थॉट्स क्यों नहीं ले रहे हैं सी दिस इज व्हाट अब उसमें क्योंकि अटेंशन नहीं संस्कार है अटेंशन का चेकिंग का संस्कार है क्वालिटी सिलेक्ट करने का संस्कार है तो इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं थॉट्स में क्यों नहीं यहाँ तो सब कुछ भरता गया भरता गया भरता गया अब जितनी इमप्योर इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी तो इमप्योर थॉट्स बढ़ते जाएंगे तो एक हुई अन अवेयर इम्प्योर थाट्स अन अवेयर मतलब सारा दिन ऐसे जो भर जैसे आपने कहा ये पढ़ लिया नथिंग टू डू विद आर लाइफ किसी ने किसी के साथ कहीं कुछ किया नथिंग टू डू विदास पर हमने पढ़ा तो यहाँ स्टोर हो गया फिर व्हाट्सएप पे सारा दिन ने किसी ने कुछ भेजा किसी का मजाक उड़ाया किसी को क्रिटिसाइज किया किसी की ग्लानी की किसी ने उसको सर्क्यूलेट किया हमारे पास आया हमने औरों को सर्क्यूलेट किया भरा अब ये सारा कुछ जब भरा तो मतलब चावल अच्छे खासे थे खुद ही उठा के उसके अंदर मिट्टी डाल दी, खुद ही कंकर डाल दिया और फिर जब खुद ही कंकर डाल दिया फिर जब फाइनल प्रोडक्ट मतलब हमारी व्यक्तित्व हमारा पर्सनालिटी हमारे बोल जब आते हैं तो हम कहते हैं इसमें इतने कंकड़ क्यों तो इतने कंकड़ क्यों डले प्रोसेस हुए बाहर आ गए अब इस पर एक हुई ये अन अवेयर इम्प्योर थाट्स जो हम वैसे ही रैंडम भर रहे हैं एक है अवेयर इम्प्योर थाट्स कि मेरे साथ कुछ हुआ मैंने हर्ट क्रिएट किया किसी ने मुझे चीट किया बिट्रेड फील हुआ किसी ने मुझे रिजेक्ट किया हर्ट फील हुआ यह है अवेयर मतलब मैं अवेयर हूँ और इमप्योर थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ परसेंटेज देखें अनअवेयर इम्प्योर थाट्स अवेयर इम्प्योर थाट्स अब ये परसेंटेज इतनी होती जा रही है कि जो हम कहेंगे ना कि वो मकान के अंदर कचरा इतना बढ़ता जा रहा है अब जब इतना बढ़ता जा रहा है तो मकान की जो ओरिजिनल ब्यूटी है उसकी जो सुंदरता है उसकी जो फ्रेगरेंस है उसकी जो खुशबू है वो डिसअपीयर हो गई अब हमें उस कचरे में ही रहने की आदत भी पड़ गई है यू नो वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग टू लिव विद दैट पेन एंड हर्ट पहले हम लोगों ने एक घर लिया था समंदर के किनारे तो उधर मछ्छी वाले लोग थे Hmm. तो दो दिन तक तो नींद ही नहीं आई उनकी इतनी बात आती थी yes. बच्ची की और उसकी और उधर से समुन्दर की हवा के साथ तो खिड़कियां बंद करके रहते थे धीरे hmm. धीरे आदत पड़ गई दिस इज इट धीरे धीरे आदत पड़ गई मतलब जो अच्छी नहीं थी स्मेल जो हेल्दी नहीं थी उसकी भी आदत पड़ गई तो आदत कैसे क्रिएट हुई एक दिन दो दिन तीन दिन आदत पड़ गई अब यहाँ भी इतना अक्यूमुलेट करके रख लिया है लेकिन उसके साथ जीने की आदत पड़ गई है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर लिविंग आर लाइफ विद दैट पेन एंड वी हैव गॉट यूज टू लिविंग विद पेन एंड इसलिए हमने कहना शुरू कर दिया ये दर्द ये गुस्सा ये इरिटेशन ये जेलिस किसी और ने दिया तो वो तो ठीक है लेकिन हमने कहना शुरू कर दिया ये नॉर्मल है okay. नॉर्मल है ना क्यों नॉर्मल है अगर कहे तो क्यों नॉर्मल है कहेंगे सबको है तो सबको है तो तो नॉर्मल है तो जैसे उस दर्द को ही नॉर्मल कह दिया उस जो आपने कहा जो ओडर जो स्मेल अच्छी नहीं थी उसको ही नॉर्मल कह दिया और ऊपर से कह दिया ये तो सबको है तो फिर उसको मिटाने का तो कोई प्रयास नहीं करेंगे और जब उसको मिटाने का प्रयास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो दिन ब दिन क्या होता गया वो बढ़ता गया वैसे लोग भी इसको एंडोर्स कर देते हैं दुनिया में आए हैं तो दर्द तो है ही हाँ। ये लाइफ तो ऐसी ही है लाइफ इज मतलब बाहर चैलेंजेस हैं इज अ डिफरेंट थिंग लेकिन यहां क्या पकड़ के रखा है मेरे इस घर में खुशबू है फ्रेग्रेंस है या कुछ सड़ रहा है मैंने कभी सुना नहीं लोगों को बोलते लाइफ इज अ पिकनिक एंजॉय करो लाइफ इज अ अलीडे मजे करो घूमो yes. फिरो देखो yes. दुनिया yes. इतना अच्छा भगवान ने बनाया ये सब बातें नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वेयर इज लाइफ इज अड ऑफ रोजेज और योर सींग लाइफ इज अ पिकनिकॉकिंग अबाउट मेरी अपनी जिंदगी कौन सी जिंदगी आप अपनी जिंदगी अगर आप Day -day? अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को बताना है लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस या लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस तो किस एस्पेक्ट से बताएंगे लाइफ कहाँ है पॉइंट ऑफ व्यू कहा है मेरे मन में तो लाइफ यहाँ है ओके लाइफ यहाँ है आज जब दुनिया में हम कह रहे हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज which means हम एक बच्चे को सिखाते हैं कि जीवन इतनी इजी नहीं है कंपटीशन है हां तो which life are they talking about वो वो लाइफ की बात कर रहे हैं ओके okay, वर्ल्ड में जो बिजनेस मतलब, की लाइफ में कमाने हाँ, के लिए जो आने, मतलब लाइफ हाँ। क्या है जो आपके साथ जीवन में होगा हम्म है ना जो हमें क्या सिखाया गया व्हाट इज लाइफ लाइफ इज व्हाट विल कम टू मी जीवन में मेरे साथ जो जो होगा वो लाइफ है स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है लाइफ वो है कि आप जीवन में क्या क्या करते हैं वो लाइफ है अब बाहर से जो परिस्थितियां आने वाली हैं दैट माइट नॉट बी ऑलवेज परफेक्ट दैट माइट नॉट ऑलवेज बी परफेक्ट लेकिन हम कैसे उसमें क्रॉस करते हैं दैट विल बी आर चॉइस सपोज हम इस टेरेन में हैं, ठीक है यहाँ पत्थर भी है सीढ़ियाँ भी हैं, घास भी है सब कुछ है दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट दिस टेरेन इज नॉट परफेक्ट अब अगर हम किसी को कहें योर वॉक यर विल नॉट बी परफेक्ट ओके दो चीजों में बहुत फर्क है okay. एक है ये टेरेन ये जो है टोपोग्राफी इस जगह की ये परफेक्ट नहीं है लेकिन हम क्या सिखाते हैं और खुद सीखते हैं कि यहाँ परफेक्ट चलना पॉसिबल नहीं है माय वॉक हियर कैन नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस स्पिरिचुअलिटी सेज टेरेन परफेक्ट नहीं है बट योर वॉक हियर कैन बी अ बेड ऑफ रोजेस या लाइक दैट प्रिंस की जो है राजा ने प्रिंस के लिए पूरे गांव में कहा कि कारपेट बिछा दो हाँ, बहुत कंकर है हाँ. तो वजीर ने बोला खाली उसको जूते पहना दो आप कार्पेट स बाहर नहीं कुछ कर सकते ना ये जो है पूरी स्थान बाहर ये परफेक्ट नहीं है ये है हमारी दुनिया लेट से ये परफेक्ट नहीं है अब हमें यहीं चलना है उबड़ खाबड़ है कहीं सडनली नीचे गिर रहा है ध्यान रख के चले हम बड़े प्यार से चल लेंगे ध्यान नहीं रख के चला तो फर्स्ट स्टेप पे गिर जाएंगे और जैसे ही गिरेंगे तो हम क्या कहेंगे जगह ही उबड़ खाबड़ थी पूरे, लेकिन उसी जगह में कोई और बहुत प्यार से चल के पूरा रास्ता कवर करके आ सकता है जो पूरा रास्ता प्यार से अटेंशन से ध्यान रख के एक एक कदम चलेगा वो कहेगा इट वॉज अ ब्यूटिफुल वॉक उब उब वो कहेगा इट वाज अ ब्यूटीफुल तो एक्सपीरियंस सुबह सुबह पैदल ऐसे तो है ही वो तो आते ही हैं कटे रॉक्स कांटे तो होते ही उसमें लेकिन उसने तो, उस उसको तो दिखेगा बुरा दिखेगा ही नहीं वो बुरा दिखेगा क्यों तो नहीं है ये सर बुरा क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि उसने ध्यान से चला उसको चोट नहीं लगी चोट नहीं लगी तो दर्द नहीं हुआ उबड़ खाबड़ था ध्यान से चला पैर नहीं मुड़ा चोट नहीं लगी चोट नहीं लगी दर्द नहीं हुआ आपने आपको इक्विप भी तो किया ना प्रॉपर शूज पहने हाथ पे डंडा लिया होगा साथ पे बंदा लिया होगा सब कुछ किया अपने आप को एक, इक्विप किया ब्यूटीफुल एंड अटेंशन से चले बस तो पूरा रास्ता चलते हुए एक खरोच भी नहीं आई होगी जब एक खरोच भी नहीं आई एक चोट भी नहीं लगी दर्द भी नहीं हुआ तो वॉक कैसी रही आप पूरा वॉक करके एंड पर पहुंचेंगे तो आपसे कोई पूछेगा वॉक कैसी रही आपकी आज say, Wonderful. Wonderful. बहुत आया. That that हमने कहते सुबह इतनी ठंडी हवा थी इतना मजा आ रहा था इतने लोग वॉक कर रहे थे बड़ी शांति थी कितना आई एंजॉय लेकिन जिसने अपने आप को इक्विप नहीं किया जिसने ध्यान नहीं रखा पत्थर है लेकिन पत्थर को ही पैर मार दिया क्योंकि उसने समझा पत्थर नहीं होना चाहिए था मेरे को तो सीधा ही चलना है तो पैर लगा चोट लगी घास में से गया स्क्रैचेस पड़े तो यहाँ स्क्रैच पड़े यहाँ पैर मुड़ा यहाँ चोट लगी गिर गया अब सब कुछ पहुंच के एंड पे जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो किसी ने कहा आज की आपकी मॉर्निंग वॉक कैसी रही बड़ा बुरा रोड था बड़ी गंदी सड़कें थी बहुत खराब लोग साफ नहीं करते हैं। थे, अब गिर गया ऐसे वाला व्यक्ति दूसरे को राय देगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस तो सबसे पहली चीज आज हम ए फाइनल करते हैं कि लाइफ कहा लाइफ परिस्थितियां नहीं है जो हमारे सामने आती है लाइफ जीवन में आने वाली सिचुएशंस नहीं है लाइफ वो नहीं है कि लोग हमारे साथ क्या करते हैं Life, energy, that life is here. Thank you so much, sister. Life is hai We will talk about episode in baat episode. Om Shanti. Thank you so much, Om Shanti. Thank you, Om Shanti. Our every thought influences how we feel. Thoughts come into words and actions, it becomes our experience and this records an impression or sanskar on the soul the sanskars become our vibrations what we speak is first created as thoughts the thoughts could have been created earlier and stored when we use the phrase Slip of the tongue, or we didn't mean it. It only means we felt it but had decided not to speak it. When, in response to a situation or behavior, we create hurt and hold on to that hurt, then the thoughts of hurt and blame will get stored in the memory. These thoughts will replay many times and cause pain and may also come into words. Let us counsel our mind, understand the person, and then store the scene with acceptance. Hurt, resentment, rejection, or any painful emotion created and held on the mind will become a part of our personality. The pain becomes a part of our energy field and starts coming into other healthy relationships. if you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest raj yoga meditation center write to us on awakening at pmtv.in or call us on 099-99-559-660.